जय गुरुदेव राम कृष्ण। आज 21 सत्तर वर्ष समाप्त हो गया। अच्छी तरह से कोई विघ्न बाधा नहीं, सत्तरवीं सदा हमेशा मालिक की याद में लगे रहे। जो सुबह शाम बताया एक घंटे सुबह एक घंटे शाम को आप लोग हमेशा उतना समय देते रहे और रात्रि को जब सोने जाए तो लेट करके करें, उस समय मन नहीं भागता क्योंकि सब जगह से हट करके सोने में आएगा, तो उसी समय पर आप अपने आप कान बंद करके ऊपर कानों के साथ रोक करके मन को और सुनो तो बहुत जल्दी काम होगा। जिसको लगन होती है, तड़प होती है, वो हर तरह से करता है, उसमें अपनी तरफ से सुस्ती नहीं आनी चाहिए। जो लोग जगत में फंसे हैं तमाम क्रियाओं में, उनका क्या होगा? हमें वैसे भी सुनाते ये किराए का मकान है, आपका नहीं है, और जो सामान आपके पास है वो भी किराए पर है। जब जीवात्मा शरीर से निकाल दी गई और ले गए तो दो ही हिसाब होते हैं, अच्छे काम और बुरे काम के। तो बुरा काम किया उसका हिसाब और उसकी सजा, सीधे ले जाओ इनको नरकों में, तो ले जाते हैं। जो अच्छा काम किया उसका वो अच्छा फल देते हैं। अगर शरीर मिला हुआ तो शरीर दे देते, नहीं मिला हुआ तो 84 चक्कर काट करके हजारों वर्षों में फिर वापस लौट आएगा। तो आखिरी जूनी गाय की है, बैल की योनि और गाय की जिसको मिलेगी वो तो मनो शरीर पाएगा। गुमे स्त्री तन और पुरुष, और जो बैल है वो पुरुष, ये अपने 84 फेरे का अंतिम मतलब यह है कि मनो शरीर में आने का रखा है। जो 84 से आएगा उसको गाय की योनि में जाना है, सीधा नहीं मिलेगा। पर इतना लंबा फेरा है कारखानों का, अंडज पिंडज उखबज अस्तावर के जीव को कितने हजार
वर्ष और कितने कल्प वर्ष लग जाते हैं। भोगते भोगते रोते चिल्लाते लेकिन वहां उसकी कोई रक्षा नहीं। इस प्रकार की भी रक्षा नहीं, कोई कि बचाव कर ले कुछ नहीं, जो किया है उसको भोगना पड़ता। ऐसे जीवों का क्या होगा, ये कभी उनका छुटकारा निपटारा कभी होगा कि नहीं होगा, तो वो बात आपको प्रमाण दे करके समझाना चाहते थे कि आप सबूत लेंगे, महात्माओं का प्रमाण लेंगे तो आपके हृदय में बात बैठ जाएगी। चलो ठीक है, एक नहीं बहुत महात्माओं ने जो आए उन्होंने मतलब जाया, सबूत उनके सब है और सबूत पाने पर ही आपको विश्वास हो जाता है। तो इसलिए बड़े ध्यान से, आज अंतिम समय है, अपना पूरा कार्यक्रम सुचारू रूप से हो गया और अभी दृश्य दिखाई दे रहा है, ये मैदान पूरा भरा हुआ है। ये अभी आ रहे हैं दो चार दस मिनट में, जो थोड़ा सा खाली वो भी भर जाएगा। इतनी बड़ी संख्या नरराजों की और ये बड़े सद्भाव श्रद्धा आस्था से जाने की तैयारी कर रहे हैं और आज अभी थोड़े समय बहुत से लोग चले गए और अभी शाम को जाएंगे सत्संग सुनने के बाद उनको जाना है। बोलो दुष्ट दूत अब अधिक सतावे दर्शन सतगुरु स्वामी नाही दिखावे। कहते हैं कि जब साधक साधना करता है कुछ उससे कर्म बन गया तो अंदर दूत जो है बहुत है, डर दिखाते हैं, तरह तरह के रूप जिसको आपने देखा नहीं वो दिखाते और ये कहते हैं कि तू हमारा कर्जा जो लिया है वो अदा कीजिए, अदा करो। कौन उपाय करूं मैं सजनी जोर जुल्म इन कब लग सहनी। अब तुरंत कहती है कि मैं क्या करूं, ये जो बिघन पहुंचाते हैं, हिसाब मांगते हैं, तो मेरे पास तो देने की शक्ति नहीं है कि हमने कैसे हिसाब कर्मों का जो पाप पुण्य हुए। अब ये बहुत सताते हैं तो गुरु ऐसी कृपा दया करें कि छुटकारा हो जाए। चल बल खात किया मैं अंगा जस ज्योति पर जले पतंगा। कहते हैं कि बस मेरे तो आप पर मतन मन सब निचावर कर दिया, जैसे एक लाइट है रात को जलती है कीड़े चारों तरफ उसको चक्कर मारते रहते हैं और उसी पर अपने अंग को जला देते और खत्म हो जाते हैं। कहने लगे कि ये तो गुरु के ऊपर में निचावर हो गया है, अब तो जो होगा तो होगा। बोलो कौन सुने मेरी किस पैरों जैसी दिथा मेरी मैं ही सहूं। कहते हैं मैं किससे कहूं और अपनी तकलीफ अपनी पीड़ा किससे रो,
कौन और सुनेगा, कोई सुनने वाला तो है नहीं है। आह कर निस दिन गए हूँ, सबर न आवे फिर पछताए हूँ।